नमस्कार जी, आज के वीडियो की शुरुआत किचन से हो रही है। किचन से ऐसे भी किचन से होती है सुबह चाय बनने से, लेकिन आज बातें भी किचन से शुरू हो रही हैं। ये दोबारा की चाय बन रही है, ये सिर्फ एक जनों की मम्मी जी की चाय बन रही है अकेलों की, इसलिए इतनी थोड़ी सी है। तो हो गया मकर संक्रांति का त्यौहार, बोल रही थी मैं, हो गया त्यौहार, अब बस लगे नॉर्मल रूटीन पे। दो दिन से तो संक्रांति की धूम चली रही थी, तो देखते हैं आज क्या करते हैं, शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। आइए आइए। कहाँ से आ रही है सवारी, बास्केट बास्केट लेके? अरे पहले तो नवरात्रि सब जगह नवरात्रि बोल रहे हैं, नया साल हड़बड़ी और टंग ट्विस्ट हो रही ना, क्या तो खत्म हो गया, आज से नाइट है पर आज टीसीएस जाना है। चलो नवर्ष शुभकामनाएं। तो क्या हो गया, ये लोग अपने बात दिखाई दे रहे हैं, हमारा वो रखा हुआ है सबके लिए, छोटा छोटा सबके लिए छोटा लाए, आपके लिए थोड़ा बड़ा लिया। थैंक यू। ये लो सबसे पहले, और ये हमने आप ही के लिए रखा सनफ्लावर सीड, हमने कहा आप ही समझोगी ये, तो इसलिए आपके लिए रखा। इसमें प्रसाद है सब जगह का है, हरिद्वार ऋषिकेश जो भी मंदिर है, और आपका मथुरा वृंदावन सब जगह, और मकर संक्रांति थोड़ी रेवड़ी मिला दी, तो मकर संक्रांति निकलेंगे। भैया गए जल चढ़ाने। अच्छा अच्छा, चलो अब हम विश कर देंगे उनको आपसे। चलो ठीक है ना। मैं बना रही हूँ सूजी का उपमा, और ये मैं वो इंस्टेंट मिक्स बना के रखा था ना मैंने, उससे बना रही हूँ। देखना अभी 5 मिनट में बिना कट बिना उसके बनाऊंगी, कोई एडिटिंग नहीं कोई कट नहीं, और ये फटाफट बन के तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा ही बनाऊंगी अश्वित के लिए, क्योंकि ये तो उपमा ज़्यादा शौक से नहीं खाते हैं। मैं देखो बैक कैमरे से करती हूँ, ये गंगा जल और ये प्रसाद देखे गए हैं। कौन है? बेल बजी तो मेरे को बाहर जाना पड़ा, वो भैया आए थे चाबी अभी कुछ लेने देने। उसके बाद फिर मैं सोच तो रही थी कि वॉइस ओवर नहीं करूँगी, लेकिन फिर सुबह सुबह की हड़बड़ाहट की वजह से मेरे को वॉइस ओवर ही करना पड़ रहा है। ये मैंने पैन में तेल लिया है, अब डायरेक्ट तेल गर्म होते ही इसमें राई जीरा कुछ भी डालना नहीं पड़ेगा, सिर्फ कटी हुई प्याज। अगर बिना प्याज का बनाना है तो और भी आपको टाइम बच जाएगा। और उसमें नमक डाल दिया, मिर्ची हरी मिर्ची कटी हुई, और करी पत्ता। करी पत्ता वैसे ही मैंने इंस्टेंट मिक्स में भी डाला हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फ्रेश डाल दो तो अच्छा फ्लेवर आ जाता है। उसके बाद ये देखिए आप, मैंने ये जो मिक्स बना के रखा था ना, सिर्फ वही डाल रही हूँ। अपनी जितना अपने को चाहिए उस हिसाब से आप डाल सकते हो उसको, चम्मच के हिसाब से। फिर बस गर्म पानी डालो और उसको बॉयल होने दो, और आपको जितना भी गाढ़ा रखना है या पतला रखना है, सब अपने अपने टेस्ट के अनुसार बनाते हैं। और ये बन के तैयार हो गया उपमा। तो 5 से 7 मिनट भी मैं ज़्यादा ही बता रही हूँ, उससे भी कम में ही बन जाता है। और इधर शर्मा जी आ गए नाश्ता करने के लिए, और ऐश्विक भी रेडी हो गया है। तो बस पहले मैं इन लोगों को नाश्ता कराऊंगी, फिर आगे की दिनचर्या शुरू होगी। तो बने रहिए वीडियो में। आज थोड़ा सा लेट हो गए कामों में, और रात को वो कंबल लेके गए थे ना बांटने के लिए, तो वो कल कंबल बांटने गए ना जैसे रात में, तो कई जगह गए जहाँ मिल सकते थे जिनको कि अपन दे दे। पहले तो यहाँ पे ना कई मंदिरों के बाहर मिल जाते थे जिनको ज़रूरत रहती थी, और ब्रिज वगैरह पे भी रोड साइड्स होते रहते थे। लेकिन अभी जैसा कि मालूम है हमारा स्वच्छ भारत इंदौर में स्वच्छ भारत अभियान में हमारा इंदौर फर्स्ट नंबर चल ही रहा है, तो यहाँ पर एकदम भी कोई भी नहीं मिला हम लोगों को रास्ते में। बस एक बुढ़े बाबा मिले जिनको हम लोग एक कंबल तो दे आए हैं, बाकी अभी गाड़ी में रखे हुए हैं, तो देखते हैं उनको कैसे कहाँ पहुँचाएंगे। अभी तो रखे ही हो हमारे पास। तो रात को एक मंदिर गए, दो मंदिर गए, तीन मंदिर गए कि कहीं पर तो मिल जाए, इस बहाने थोड़ा सा घूमना हो गया। और एक हनुमान जी के मंदिर है वहाँ हम लोग दर्शन करके
फिर आ गए घर तो लेट हो गए रात को आने में, फिर सो गए सुबह लेट उठे, सारा प्रोग्राम लेट लेट लेट, और बाहर जाना था इनको तो गए ये तो बाहर। और ऐश्विक गया है ऑफिस, और आज का ब्लॉग शर्मा जी ने शुरू नहीं करा है तो अजी थोड़ा सा चेंज लगेगा आप लोगों को भी। ये मैंने गोभी साफ करके रखी है, गोभी आलू और मटर की सीजन वाली सब्जी बनेगी। और आलू का क्या, आलू है ही नहीं हमारे घर में, मतलब थे नहीं हमारे घर में। और आप लोगों ने एक दो ब्लॉग में भी सुबह भी देखा ना, वो जो मेरे को संक्रांति मिलने आए थे, तो वो इत्तेफाक ऐसा हो गया है अभी चार पांच, ज़्यादा ही हो गया होगा चार पांच बार से भी, वो जब भी इनको जैसे कुकिंग करते समय कभी कभी कुछ कुछ चीज़ की ज़रूरत हो ही जाती है, उनको जो चीज़ की ज़रूरत होती है ना वो हमारे यहाँ में नहीं होती है। अभी वो आए बोले भाग के जल्दी से, भाभी मेरे को तीन चार आलू की ज़रूरत है। मैंने कहा हमारे यहाँ चार पांच दिन में, इवन तो दस दिन से आलू नहीं है घर में, पता नहीं अभी आलू आलू कुछ बन ही नहीं रहा, कुछ दूसरी चीज़ें ही बन रही है, तो आलू थे ही नहीं तो वो चले गए। तो मेरे दिमाग में आई, मैंने कहा ना मेरे को उनको बोल देना चाहिए था कि हमारे लिए भी ले आना आलू, तो फिर वो तो चले गए थे। मैंने कहा छोड़ो नहीं आलू देखी जाइए, गोभी और मटर की सब्जी बना लेंगे खाली, क्योंकि मटर की काफ़ी है क्वांटिटी अभी, तो ज़्यादा सारी मटर डाल के बना लेंगे। तो मैं दूसरे काम कर रही थी, मेरे इतनी देर में बैल बजती है और वो मेरे लिए भी आलू लेके आए, तो चाहिए उनको हमारे यहाँ से था, और वो ऑलरेडी जब अपने लिए लेके आए तो मेरे लिए भी लेके आए। तो मैंने उनको यही बोला, मैंने अभी मन में आया कि मैं आपको बोलूँ और आप खुद ही ले आए, तो चले नाना धोना अभी कुछ हुआ नहीं है। मम्मी जी मंदिर गए तो अब मैं सोची थोड़ा सा काम करूँ, काम में बहुत सारा काम इकट्ठा हो गया, फिर से घर में कपड़े धोने के इकट्ठे हो गए, अभी ठंड पड़ी थी दो तीन दिन तो धुले नहीं, और दो दिन कल परसों तो हार के चक्कर में ही नहीं टाइम मिला, तो देखो अगर लगाऊंगी मशीन तो लगाऊंगी। और क्या करना है, दूध भी इकट्ठा हो गया घर में, तो मैंने अभी तो बॉईल करने रखा जो कि अभी उफनने वाला था, तो उसको मैंने हल्का सा उफन भी गया थोड़ा सा। और ना कीवी रखी हुई है घर में, ये ना शर्मा जी के काम है, उल्टे सुलटे क्वांटिटी में ले आए, काफ़ी खाने खाने की कोशिश करी लेकिन नहीं खप पा रही है, और कीवी का तो कुछ सोच रही हूँ, उसके जूस निकाल के उसके क्यूब्स जमाने की सोच रही हूँ, ताकि फिर उसको कभी भी अपने को जूस बनाना हो, एक्सपेरिमेंट ही कर रही हूँ, कभी बनाया नहीं है ऐसा मैंने, पर क्या किया जाए उनको, या तो मैं सोची हूँ कि साफ करके कट करके फ्रीजर कर दूँ ताकि वो एक काम आ जाएंगे शायद, और या फिर जूस जो भी रहेगा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अभी तो चलते हैं गोभी आलू की सब्जी बनाते हैं। ये मिट्टी वाले आलू आते हैं ना, तो इनको मैं गला के छोड़ गई थी, अब इनको साफ कर लेती हूँ, ठीक है मिलते हैं फिर। ये देखो दूध बॉयल हो रहा है थोड़ा सा, मैंने बताया ना ये उफन गया, ये देखो सारा घर एकदम साफ सुथरा हो गया है। ये लैपटॉप इसलिए खुला हुआ पड़ा है यहाँ पर क्योंकि मैं इसमें काम कर रही थी, तो अब इसको अभी हटाऊंगी, चार्जिंग पे लगा रखा है मैंने अभी, तो मैंने बताया ना आपको कीवी का काम निपटाना है मेरे को। ये देखो सारी कीवी छील छील के प्लेट में सजा सजा के रखी है, अब इनका देखती हूँ क्या करती हूँ। उसके पहले ये देखिए आप लोग, कपड़े भी धुल गए हैं मेरे, कपड़े भी धोए हैं मैंने। ये कीवी ना मैं प्रिजर्व करके रख रही हूँ फ्रीज़र में, सिर्फ मैंने चॉप करा है इनको और नॉर्मली एक बॉक्स में डाल के, डायरेक्ट फ्रीजर में रख रही हूँ, देखते हैं इनका क्या रहेगा रिजल्ट। यहाँ पर तो ये शाम का जूस बना रही हूँ मैं, आज शाम की चाय की जगह भी जूस ही पिलाया मैंने इन लोगों को भी। और कीवी मैंने दो तीन तरीके से प्रिजर्व करी है, वो आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर करके बताऊँगी मैं, और हो सकता है तो नेक्स्ट वीडियो में उसकी क्लिप दिखाऊँगी आप लोगों को। और बस इसी के साथ अपना वीडियो एंड करूँगी आज का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा, और अगर न्यू हैं
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब भी करिएगा, जो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है और मेरे लिए बेनिफिटेबल है। तो बाय बाय, टेक केयर।